ठीक होंगे। तो आज हम आपको लेके चलते हैं एक नई जगह पे। आप देख सकते हैं पीछे, इसका नाम है फोंटेफेरा। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आप हमारी वीडियो जरूर देखिए और देखिए आगे कहां पर लेके चलते हैं आपको। फ्रेंड्स, मुझे आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसा कि मैं इंडिया में हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही प्लेसेस है सेम लाइक दिस प्लेस। इसका नाम है फोंटेफेरा और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे ट्रीज है। और तो आज हम आपको यहाँ पर एक राउंड लगवाते हैं। ये है अलगार्व में एक हिडन जेम। तो मैं आपको लेके चलती हूँ इस मैप के पास। ये देखो, यहाँ पर लिखा है फोंटेफेरा साउथ ब्रास्ते पोर्टल। ये एरिया जो है फारो के नजदीक पड़ता है, फारो से अराउंड 15 किलोमीटर अवे। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर वाटरफॉल्स है, आप इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज लोग करने यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। सुन रहे तो आज फिर फेरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे टेबल्स लगाई हुई है। यहाँ पर आप पिकनिक भी मना सकते हैं, आप अपना फूड लेके आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। बहुत सारे लोग भी घूमने आते हैं, आज भी कुछ लोग आए हुए हैं क्योंकि आज वीकेंड नहीं है। वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है क्योंकि हमने यहाँ पर कैफ़े में बात की थी उनसे, लोगों से, तो वो बता रहे थे यहाँ पर वीकेंड में ज़्यादा रश होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आना चाहते हैं, आई थिंक आपको आना चाहिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप अगर इंटरेस्टेड है, आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं अलगार्व को, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। ये बहुत अच्छी लोकेशन है और अगर आप बारबेक्यू करना पसंद करते हैं तो बारबेक्यू के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट्स है। तो अगर आपको इसकी लोकेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कॉल करके भी इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बारबेक्यू के लिए भी है, अगर आप भी बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर फिन दे समाना जो वीकेंड है उस पर ज़्यादातर लोग आते हैं, क्योंकि आज तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, बट वीकेंड पर बहुत रश होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर आपकी एनिवर्सरी है या फिर कोई और सेलिब्रेशन है यहाँ पर आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर और भी लोग आ गए हैं। फर्स्ट से लेके 30 सितंबर तक इट इज़ फॉरबिडन टू यूज स्टोव्स। यहाँ पे स्टोव, ग्रिल और ये बारबेक्यू हम नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने 5 भाषाओं में लिख रखा है कि जुलाई 1 से लेके 30 सितंबर तक यहाँ पे कोई भी बंदा ये नहीं यूज़ कर सकता।
पसंद करते हैं तो इसको फॉलो कीजिए। ये देखिए यहाँ पर दो तरह की ट्रैकिंग है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये है 1 किलोमीटर और दिस इज 5 किलोमीटर, सो यू कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू, दिस इज द वे फॉर ट्रैकिंग, यू कैन फॉलो दिस ट्रैक एंड यू कैन गो अहेड। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये स्टेप्स हैं, यहाँ पर आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर पानी नहीं है, जब लास्ट टाइम हम आए थे तो रेनी सीजन में तो यहाँ पर अच्छा पानी होता है और आप ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर खाने के स्थान पर, तो ये है हमारी रफसाओ। तो चलो देखते हैं आज हम क्या लेके हैं, देखते हैं हमारे पास अच्छा, आज हमारे खाने के लिए क्या है। ओपन करो, वाओ इट्स माय फेवरेट, यम्मी, ओपन इट, लेट्स ईट एंड देन नेक्स्ट। ओह वाओ नूडल्स, मुझे तो इंडिया की याद आ गई नूडल्स देख के। तो फ्रेंड्स आज तो हमारे पास इतना ही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, वाओ अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, चलो खाते हैं। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे कि आज हमने कौन सी जगह कवर की है, तो ये है बोसे इश्ता अकी कि हम यहाँ पर है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक हम जाके आए हैं। उससे आगे तो बहुत जगह अभी पेंडिंग है जो हम नहीं कवर कर पाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं ये रिवर द पोर्टल, अल पोर्टल है, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर भी हमें एक दिन जाना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जो नंबर 8 है यहाँ पर है बर्ड्स, ये पूरा एरिया जो है बर्ड से कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहीं पे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको नए नए नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड में यह है फोंटीफेरा, यह है बर्ड वॉचिंग अलगार्व एरिया। तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप ये सारे बर्ड्स देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है और यहाँ पे आप बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप हमारी वीडियो में, तो फ्रेंड्स आप हमारी ये वीडियो को एंड तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज हम अपना ट्रिप यहीं पे करते हैं ख़त्म, तो अब चलते हैं घर, उसके बाद आपको लेके आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। इट्स टाइम टू गो होम, बाय बाय, सी, ओब्रिगादा, बेला विस्ता। ये क्या कर रहे हो आप? ओ, कल हमको जाना है ना, परसों को भेजा जाना है, फिर उसके लिए वो महंगा थोड़ा गाड़ी का सर्विस कर दो। तो आपने तो मुझे बताया नहीं आपको मैकेनिक का काम आता है, मेरे पास तो 2-3 गाड़ियां खड़ी है। नहीं मैंने खन्ना सर को कहा कि हम इस गाड़ी में चलेंगे। देख सकते हैं आप मार शॉपिंग मॉल के अंदर एक छोटा सा एरिया है, कवर किया हमने, समर लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा है, डेकोरेशन अच्छी की हुई है। तो कभी भी आप आते हैं शाम में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, तो आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हो और अपनी पिक्स खिंचवा सकते हो, बहुत ही अच्छा।